आज की कहानी एक सीरियल किलर की कहानी है। एक 8 साल का बच्चा जो महज 8 साल की उम्र में ही सीरियल किलर बन गया और जिसे 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस खबर को सुनकर बहुत आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। बच्चों को सभी भगवान का रूप मानते हैं, मासूम समझते हैं, लेकिन वही मासूम बच्चे हैवान बन जाए तो भला भरोसा किस पर किया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अब कहानी की तरफ। यह घटना 2007 की है। यह बच्चा एक गरीब परिवार से संबंध रखता था। यह अपने माता पिता और दूध पीती बहन के साथ रहता था। इस घटना की शुरुआत 2007 से होती है जब उसने पहला कत्ल अपने ही एक चचेरे भाई का किया था। इससे कुछ ही दिन बाद उसने दूसरा कत्ल अपनी सगी बहन का किया जिसकी उम्र महज 6 महीने थी। इन दोनों की हत्या उसने खपरैल से पीट पीट कर दी थी। हैरानी की बात ये थी कि अमरजीत द्वारा की गई दोनों ही हत्याओं के बारे में उसके घर वालों को पता था, लेकिन उन्होंने मामले को नजरअंदाज किया था। इसका नतीजा ये हुआ कि 3 महीने बाद ही उसने एक और बच्चे का कत्ल कर दिया जिसकी उम्र 1 साल से कम ही थी, लेकिन यह उसका आखिरी कत्ल बन गया क्योंकि उसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। पुलिस ने जब उससे गायब हुई बच्ची के बारे में पूछा तो वह हंसने लगा। पुलिस जितनी बार पूछती वह हंसता ही रहता। फिर काफी देर बाद उसने बताया कि उसने उस बच्ची की लाश को खेत में छुपाया है। यह सब देखकर सभी हैरान थे और सोच में थे कि कैसे कोई बच्चा यूं खून कर सकता है। जब उससे पूरी पूछताछ की गई तो उसने बताया कि यह सब उसने क्यों किया। उसने कहा कि जब वो लोगों को रोता हुआ देखता था, उन बच्चों को रोते हुए देखकर उसे मजा आता था, उसे अच्छा लगता था, इसीलिए उसने उन बच्चों को मार डाला। यह सब जब पुलिस ने सुना तो उसे मनोचिकित्सक के पास दिखाया गया जिसपे पता चला कि वह मानसिक रोग से ग्रसित है। अब पुलिस भारी उलझन में पड़ गई थी क्योंकि अमरजीत ने 3 कत्ल किए थे लेकिन वो अभी भी नाबालिग था और भारतीय कानून के हिसाब से नाबालिग को सजा नहीं मिलती है, इसीलिए अमरजीत को बाल सुधार गृह में भेजा गया। लेकिन पुलिस अदालत से अपील करती है कि अमरजीत को अलग कमरे में रखा जाए ताकि दूसरे बच्चों को उससे खतरा न हो।